फर्स्ट टाइम करवाने वाला हूँ N160 का फुल टैंक हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चल रहे सभी के, फिर से एक नई ब्लॉग में। और भाई और मैं आज की ट्रिप तो क्या होगा, ज़्यादा लंबा कहीं नहीं जाना है, थोड़ा बहुत बैंक वगैरह का काम है। तो अभी बहन को छोड़ के हम लोग आए और यहीं से हम लोगों ने अपने ब्लॉग स्टार्ट किया। पूरा आधा एक घंटा बचा हुआ है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि झूला पुल तक ही जाते हैं। तो अभी भाई चला रहे गाड़ी, मैं आते समय चलाऊंगा। उसने बोला मैं चलाता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो कल का ब्लॉग हम लोगों ने डिसाइड किया गुलरबोध जाने का, देखते हैं प्लान बन पाता है नहीं बन पाता है, बाकी तो कल ही देखा जाएगा। फिर कल मेरा ऑफ भी है और बाकी जॉब वगैरह का तो ये चीज़ें रहती है और नाइट जॉब रहती है। तो भाई करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, ये सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये लगी बढ़िया भाई भीड़ भाड़ और काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया है। मेन चीज़ ये है हमारे CMG ने क्या कर दिए, तो झूला पुल में हम लोग टाइम पास कर रहे हैं अभी भाई और मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा लगने लगा है अब। बाकी धूप आ चुकी है और जैकेट मैंने खाली पहन रखी है। नहाने का मन कर रहा है लेकिन अभी हम नहाने की सामग्री नहीं लेके आए हुए। ये देखो पिछले बार किस तरह से हम लोगों ने जुगाड़ करके ये अंदर को लाए थे गाड़ी, हम उठा दे भाई। तो अगर आप लोग भी आओगे तो इस तरह से आना यहाँ, ठीक है। तो आगे करते हैं गाड़ी, तो एक घंटा यहाँ मौज मस्ती करने के बाद तो आज चल देते हैं। बैंक वगैरह भी खुल गए होंगे, अभी तो आधा घंटा हो चुका है बैंक खुले हुए, भी 10:30 होने जा रहा है। फटाफट चलते हैं, बैंक वगैरह का जो भी काम है वो करवा लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा माउंट डाउन के लिए भी पूछते हैं, मार्केट में मिल जाता है नहीं तो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो अब ब्लॉगिंग का पूरा सेटअप तो लेना पड़ेगा ही, बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा ही लगेगा। चलो फिर चलते हैं। तो बैंक में हम लोग आ चुके हैं, क्या भीड़ भाड़ लगी यार कसम से, नीचे कैश वाले में भी और ऊपर भी सब भरा पड़ा है। तो SBI का यार बेकार सा सिस्टम है, 1.5-2 महीना होने जा रहे हैं मेरे ATM कार्ड अप्लाई किए हुए, अभी तक आया नहीं है। बाकी पूरे 1.5 घंटा लग गया कैश वगैरह लेने में, वही हालत डाउन हो गई है, पूरा आधा दिन निकल गया है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग N160 फुल टैंक करवाने वाले हैं, कितने का पड़ता है ये चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट टाइम करवाने वाले हैं N160 का फुल टैंक और कितना सा बचा था फुल दिखा रहा। तो 11 से 10 मिनट फुल टैंक हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत तो भाई 2 लीटर की लगी। ये देख लो एकदम फुल हो गया टैंक। दोबारा आ गए बैंक में, आज पूरे दिन हम बैंक में रहने वाले हैं। एंट्री का 300 है, पापा ने अभी स्पेशली कॉल करके बोल दिया एंट्री करके आना, एंट्री वगैरह कर लेते। गाड़ी अपनी पार्क लगा दी है, ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गए हैं हम, और फिर से लाइन में ना लगना पड़ेगा बस इतना कह सकते हैं। लेकिन नीचे वाले बैंक में थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, यहाँ पे तो इतना नहीं रहता। बढ़िया है, कुछ टाइम बाद मिली है, ट्रांसफ़र करवा लूँगा अपनी। काम वगैरह जो थे वो हो चुके हैं और फुल टैंक हो गया है, और बाकी तो अब लंबी ट्रिप बनानी है। चलते हैं, पहले खा पी लेते हैं कुछ, खाने वाला भाई
भाई को तो मिर्च लग गई पानी पीने लग गया। तो शाम का समय हो चुका है और दिन में मैं आने के बाद सो गया था। भाई रेडी हो गया, अभी मंदिर को जा रहे हैं। मम्मी भाई और बहन, बहन जॉब से आके चली गई है मंदिर को, क्योंकि अभी भागवत वगैरह स्टार्ट हो गया था। कलश यात्रा की वीडियो आप लोगों ने देखी, भाई को छोड़ देता हूँ वहाँ तक और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा जॉब को। बहन भी आगे टहलते महलते हैं और ये है गोधाम। रात को कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। मम्मी भी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो फिर चलते हैं, भाई को भी छोड़ दिया यहाँ पे। ओके बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो।